नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन लैब के अंतर्गत आज हम एक्सपेरिमेंट वन देखेंगे कि कैसे हम लेबोरेटरी के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के जो प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको करेंगे। तो आज हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट होगा हमारा टू कंडक्ट लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल बिल्डिंग। पहला जो आपका प्रैक्टिकल है वो है छोटे भवन के लोड सर्वेक्षण और बिजली की खपत की गणना करना। किसी बिल्डिंग के लिए, किसी भवन के लिए, जो छोटा भवन हो उसके लिए हमें लोड का सर्वे करना है कि उस भवन के अंदर कितना लोड है और उसमें बिजली की खपत कितनी है। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट होगा। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है आपके पास में, इसलिए ये वाला प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है टू कंडक्ट लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन कैलकुलेशंस ऑफ स्मॉल बिल्डिंग इन योर हाउस। ठीक है, इन बिल्डिंग, दैट इज स्मॉल बिल्डिंग मीन्स योर ओन होम, यानी आपके अपने घर में आपको ये सर्वे करना है। फाइन, क्योंकि अभी हम लेबोरेटरी के अंदर काम कर नहीं सकते तो हमें ये जो सर्वे है वो अपने घर पर ही करना है। तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपको इक्विपमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा अगर हम घर में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें चाहिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। मेनली आपका जो इक्विपमेंट है वो है बिल्डिंग विद डिफरेंट इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी आपको एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें डिफरेंट इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट, जिसमें कि बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हों, एप्लीएंसेस हों। ठीक है, और एक भवन ऐसा हो उसको वो आप हो, तो आपका घर ऑलरेडी ऑलरेडी ऐसा ही है जिसमें आप कई सारे उपकरण ऐसे हैं जो बिजली से आप चलाते हैं, तो उसका सर्वे आप कर सकते हैं। लोड सर्वे करेंगे पहले हम उसका, और देन उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि कितना घर का लोड है, और देन फिर एक निष्कर्ष कर पहुंचेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या होगा इसका। तो मेथड के लिए दो पॉइंट हमारे पास इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करें कि भवन के उपकरण और वितरण बोर्ड में ढीली वायरिंग ना हो, यानी जिस भी बिल्डिंग का आप सर्वे कर रहे हैं ये ध्यान दें कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, जैसे आपके रूम में जहां बोर्ड लगा रहता है और जहां पर स्विचेज होते हैं, वहां से हम सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। जैसे आपने फैन पर दिया है ना, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप सप्लाई जो है वो आप अपने रूम के अंदर देते हैं। सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो यहाँ पर आपने देखा होगा डिफरेंट स्विच लगे रहते हैं। ठीक है, ये स्विच लगे रहेंगे बोर्ड पर और यहाँ पर एक 5 पिन का सॉकेट लगा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसमें से एक स्विच आपका मान लीजिए फैन के लिए है, दूसरा स्विच आपका लैंप के लिए है, लाइट के लिए है, और तीसरा आपका आपके स्विच के लिए, मतलब सॉकेट के लिए है। ठीक है, जिसमें से आपको कोई गैजेट कनेक्ट करना हो, तो इस तरह से ये आपका जनरली कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कोई भी वायरिंग ढीली ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। भवन के उपकरण, उपकरण भी जो अभी उपकरण कनेक्ट हैं, आपके अप्लायंसेस कनेक्ट हैं, उसमें भी कोई ढीली वायरिंग ना हो, और इसके साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी कोई ढीली वायरिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। भवन का सर्वेक्षण करें और संचालन में उपकरणों की सूची नीचे सूचीबद्ध करें। ठीक है, यानी जो भी जिस बिल्डिंग का भी आपको लोड कैलकुलेट करना है पहले उसका सर्वे करें। सर्वे का मतलब होता है हमें उस बिल्डिंग के अंदर ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, उन उपकरण की हमें पहले सूची बनानी है। सूची कैसे बनाएंगे, उसे एक सूचीबद्ध करते हैं। उसके लिए अभी हम नीचे टेबल एक डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे इसमें वो क्या करेंगे। ठीक है, ये सारा काम आपको अपने घर पर करना है, अपने घर का लोड कैलकुलेट करना है, जिसके आधार पर आप ये पता कर पाएंगे कि आपके घर का जो बिजली का लोड है वो कितना है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सपोज आपके घर में, बिल्डिंग में हम बात करते हैं, तो बिल्डिंग में जब आपने लोड का सर्वे स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने रूम में, सबसे पहले आपके रूम में जो भी बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, इक्विपमेंट और अप्लायंसेस में हमने सबसे पहले लिया बल्ब। ठीक है, अब बल्ब में अगर आपके यहाँ इनकैंडेसेंट लैंप है, 100 वाट का बल्ब जो होता है अगर वो है तो उसकी रेटिंग आपकी 100 वाट हो जाएगी। ठीक है,
100 वॉट, 100 वाट का बल्ब है, तो अगर 200 वाट का बल्ब है तो जो रेटिंग है आपकी वो हो जाएगी 200 वॉट। ठीक है, सपोज आपने कहीं पर एक 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, और सपोज आपने बल्ब के साथ में आपके घर में एलईडी भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम एलईडी ले लेते हैं, आजकल एलईडी का जमाना है, एलईडी चलते हैं, तो एलईडी में सपोज आपके पास 15 वाट की एलईडी है लगा रखी आपने, क्योंकि 5 वाट जैसे लेके और ये 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट जितना भी आप लेंगे उतनी रहती है। और सपोज आपके घर में, तो आपका जो टे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, पहले प्लेस यानी जहां पर उपकरण आपका स्थापित है, दूसरा उस उपकरण का नाम, इक्विपमेंट और अप्लियंसेस, उसकी रेटिंग कितनी है और उसकी क्वांटिटी मात्रा कितनी है और टोटल लोड उसका कितना होगा। सपोज आपके घर में ये 100 वाट का बल्ब केवल एक ही है, क्योंकि आजकल 100 वाट का बल्ब कहीं नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी के यहाँ लगा हुआ है तो आपकी जो रेटिंग हो जाएगी वो 100 वाट हो जाएगी। ठीक है, 100 वाट, फाइन। और अगर आपके यहाँ एलईडी मान लीजिए 10 हैं पूरे रूम के अंदर, सभी पूरे बिल्डिंग के अंदर कंप्लीट 10 एलईडी आप यूज कर रहे हैं, तो 15 वॉट की एक एलईडी है, टोटल आपके घर पर जो लोड हो जाता है वो हो जाता है 150 वॉट, फाइन। इसी तरह से सीलिंग फैन आप बात करें तो सीलिंग फैन की रेटिंग अलग अलग होती है, आज की डेट में आप देखें तो बहुत लो पावर कंजप्शन के सीलिंग फैन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लगभग 30, 35, 40, 50 वॉट तक लेते हैं, लेकिन अगर हम इन जनरल ले लें, एवरेज ले लें, तो लगभग 80 वॉट का आपका एक फैन होता है, सीलिंग फैन 80 वॉट ये बिजली कंजप्शन करता है। और मान लीजिए आपकी पूरी बिल्डिंग में 5 फैन लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो लोड हो जाता है 8×40 400 वॉट, यानी सारे पंखे आपका टोटल लोड 400 वॉट लेंगे। आपके घर में एक एसी लगा हुआ है और 3 स्टार सपोज रेटिंग है, तो अगर 3 स्टार का रेटिंग का एसी है तो लगभग वो 1250 वॉट बिजली कंज्यूम करता है। ये रेटिंग आपको पता होनी चाहिए कितनी रेटिंग है, हमें रेटिंग जो भी हम इक्विपमेंट के सर्वे कर रहे हैं उसकी रेटिंग हमें पता होती है। ठीक है, नहीं पता तो उस इक्विपमेंट पे लिखा होता है। ठीक है, तो 1250 वाट का होता है, और सपोज आप एक एसी लगा रहे हैं तो ये 1250 का आपका ये लोड हो जाता है, 1250 वाट। और अगर आपके यहाँ दो एसी हैं तो आप इसको डबल कर देंगे तो 2500 वाट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ तीसरा जो आइटम है वो फ्रिज है, जो कि किचन में लगा हुआ है, कहीं भी प्लेस हो सकता है इसका, जहां भी आप रखते हैं, लेकिन हमने किचन में, क्योंकि खाने पीने का आइटम रहता है, तो किचन में आपका फ्रिज है, और फ्रिज की जो वॉटेज है मान लीजिए हम इसको लगभग, क्योंकि आजकल जो फ्रीज आप लेते हैं तो लगभग पूरे साल में वो 500 से 600 यूनिट का कंजप्शन करते हैं, तो लगभग आप मान लें तो 24 घंटे में वो 2 यूनिट कंज्यूम करता है। 2 यूनिट का कंज्यूम करने का मतलब है वो 2 किलोवाट लोड पूरे 24 घंटे में लेता है, तो लगभग उसका जो वॉटेज है अगर हम माने तो लगभग आप मान लीजिए वो 100 वॉट के आसपास लेगा। ठीक है, ठीक है, 100 वॉट मान लीजिए आप इसे, तो ये आपका फ्रिज जो है 100 वॉट का हो गया। ठीक है, और क्वांटिटी एक है आपके पास, तो 100 वॉट हमने यहाँ ये फ्रिज का ऐड कर दिया। देन आपके पास बेडरूम में एक हीटर भी है जिसे आप चलाते हैं, ठीक है, सर्दियों में रूम को गर्म करने के लिए। और हीटर जो आपके पास है वो सपोज आप अगर लेटेस्ट आपके पास क्वार्ट्स कॉइल वाले हीटर हैं, तो लगभग 2 रॉड वाला अगर हीटर है तो लगभग वो 800 वॉट आपकी हीटर लेगा। और अगर क्वार्ट्स की बजाय आप नॉर्मल पुराना हीटर एलिमेंट वाला यूज करते हैं तो वो 2000 वॉट लेता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा हीटर यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी रेटिंग लेनी पड़ेगी। तो ये हमने 800 वॉट यहाँ ले लिया। इसके बाद आपके घर में एक गीजर है, ठीक है, और गीजर पानी गर्म करने के काम में आता है, तो लगभग गीजर भी आपका 1500 वॉट के आसपास मान लेते हैं हम इसका। आप कितने वॉटेज की उसकी रॉड है उस पर डिपेंड करता है, इमर्जन रॉड जो उसमें लगी हुई है, तो ये लगभग आपका 1500 वाट ये हो गया। देन आपके रूम में कुछ ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई हैं, और एक ट्यूबलाइट हम मानते हैं 40 वॉट वाली ट्यूबलाइट लगी हुई है आपके रूम में, और 10 ट्यूबलाइट हैं, तो टोटल 400 वॉट लोड हो जाता है। कूलर आपके घर पे लगा हुआ है, अगर कूलर का मैं मानता हूँ 250 वॉट का होता है, और एक कूलर लगा हुआ है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप आगे ये कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये हमारा टोटल बिल्डिंग का सर्वे हो गया, जितने हम एक बिल्डिंग के अंदर हम जितने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। अब अगर हम टोटल देखें कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, तो आप देखें तो ये आपका हो जाता है 0, then 5, 5, 10 और 5, 15, कैरी 1, 4 और 2, 6 और 5, 13 और 8, 21, 22, 22 to 24, 24 और 4, 28, 28 और 1, 29 और 30, 30 का 0, कैरी 3 और 2, 5,
यानी आपका टोटल लोड जो आ रहा है वो 5050 वॉट, जिसे अगर किलो वाट में लिखोगे तो आप 5 किलो वाट लगभग कहोगे। तो ये आपका लोड सर्वे हो गया, जब आपने पूरे घर का, जब आप इतने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आपके घर का लोड जो आ रहा है वो 5 किलो वाट का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने घर का सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या पहुंचेंगे। तो भवन लोड, अब हमने जो भवन लोड कैलकुलेट किया वो हमें 5 किलोवाट का लोड मिला है, 5 किलोवाट का हमारा लोड है। तो भवन लोड 5 किलोवाट पाया गया, जिसका उपयोग भवन के स्वीकृत भार के मिलान के लिए किया जा सकता है। अब हमने जो 5 किलोवाट लोड लिया है, अगर सपोज आपने अपनी पूरी बिल्डिंग में 7 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, 7 किलोवाट आपका स्वीकृत लोड है, स्वीकृत लोड, ठीक है, यह मान लेते हैं। सभी के घर का अलग अलग हो सकता है, किसी का 4 किलोवाट होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 5 होगा। तो जो आपका लोड लोड का जो भी आपका कैलकुलेशन आया है उसको आप अपने भवन के स्वीकृत भार से मिलान कर लेंगे। यदि स्वीकृत भार भवन की कुल बिजली खपत से अधिक है, यानी अगर आपका स्वीकृत लोड आपके द्वारा कैलकुलेट किए हुए लोड से ज्यादा है, क्योंकि यहां हमें दिखाई दे रहा है कि आपका स्वीकृत लोड 7 किलोवाट है और हमारा जो कैलकुलेशन आया है, जो लोड का सर्वे आया है, वो 5 किलोवाट आया है, तो बिजली विभाग से मांग शुल्क बचाने के लिए इसे कम किया जा सकता है। यानी इससे हम क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि हमने जब इसे कैलकुलेट कर लिया, हमने देखा कि हमारा टोटल घर का लोड तो 5 किलोवाट है और हमने 7 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, यानी हमने मांग जो दी है विभाग को वो 7 किलोवाट की दी है। तो इसके, क्योंकि जितनी आप डिमांड देते हैं उस डिमांड के आधार पर एक डिमांड शुल्क भी लगता है, जिसे फिक्स चार्ज बोलते हैं। आपने देखा होगा बिजली के बिल में एक फिक्स चार्ज पर किलोवाट लगा हुआ था, जब हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया था उस समय आपको टैरिफ के बारे में बताया था। तो जो फिक्स चार्ज होता है इसको डिमांड चार्ज भी बोलते हैं, डिमांड चार्ज। तो ये डिमांड चार्ज पर किलोवाट लोड के आधार से होता है। तो अगर आप सपोज मैं मान लेता हूं कि 100 रुपीज जो है वो पर किलोवाट चार्ज है, तो अगर आप 7 किलोवाट का लोड ले रहे हैं तो आपको 700 रुपये मात्र डिमांड चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसी कनेक्शन को आप अगर रिड्यूस करके 5 किलोवाट का कर लेते हैं तो आपको मात्र फिर 500 रुपये ही फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उसका चार्ज आपका पर यूनिट के हिसाब से अलग से लगेगा। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकलता है इसके आधार पे कि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको अपने जो भी हम हमारा जो स्वीकृत भार है उसे हम मिलान कर लेंगे। अगर हमारा स्वीकृत भार हमारे जो भी लोड हमने कैलकुलेट किया उससे ज्यादा है तो हम उस मांग शुल्क को बचाने के लिए उसकी बिजली विभाग को अपनी कनेक्शन की जो स्वीकृत लोड है उसे कम करवा सकते हैं। और अगर हमारा लोड ज्यादा आया है, ठीक है, तो हमें आवश्यकता नहीं है उसको इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की, तो हमारा वही रह सकता। तो इससे हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। फाइन, सो दिस इज दी योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसके आधार पे आज आपने देखा कि हम किसी भी बिल्डिंग का लोड का सर्वे कैसे करेंगे और कैसे हम उस बिल्डिंग में बिजली की खपत की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।